झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में बोरिंग मशीन ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में चार लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। गुरसराय थाना क्षेत्र के भसनेह के पास दो बाइक सवारों में बोरिंग मशीन ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टोड़ी फतेहपुर से सबीना और आसमा दोनों बहनें मोहल्ले के एक युवक के साथ सरसैड़ा गमी में जा रही थी। जैसे ही वो ग्राम भसनेह के पास पहुंची, तभी बोरिंग मशीन की गाड़ी ने बाइक सवारों में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक समेत दोनों युवतियां घायल हो गईं, जबकि दूसरे बाइक सवार में भी बोरिंग मशीन की गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें कुल चार लोग घायल हुए हैं, जिसमें सबीना, आसमा, रिंकू और सलमान घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया। जबकि इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए रिंकू और सलमान की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें झांसी अस्पताल रेफर कर दिया। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें चार लोग घायल हो गए, क्या है पूरा मामला? ये पांच एक्सीडेंट केस हैं, जो इसमें जो करीब चार लोग आए थे। मैं डॉक्टर विमल कुमार, मेडिकल ऑफिसर सीएससी पुलिस है। यहाँ जो है घायल अवस्था में, कुछ गंभीर अवस्था में कुछ लोग आए हुए हैं, जिनका एक्सीडेंट के द्वारा चोट लगी हुई है। इसमें एक सलमान सनौप डब्लू है, जो टौड़ी फतेहपुर के लगभग घूम रहे, इनकी 30 वर्ष है। दूसरा अभी अज्ञात में थे, लेकिन उनका नाम रिंकू पता चला है, लेकिन उनके पिताजी का नाम कन्फर्म नहीं है। तीसरा एक दो लड़कियां हैं, जिसमें सबीना डॉटर ऑफ रमजानी और आसमा डॉटर ऑफ रमजानी, इनकी उम्र 16 और 20 साल के लमसम है। दोनों चारों गंभीर अवस्था में हैं, इनके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, हेड इंजरी हुई है। मेडिकल रेफर कर दिया सर लोगों जी, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, चारों को किया रेफर। चारों ठीक सर, धन्यवाद। सुनहरा मौका आपके अपने शहर कस्बा मोठ में आप भी देख सकते हैं। अपने घर का सपना किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध है केसीपी इंटर कॉलेज के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मयूर मिश्रा, इलू महाराज मोबाइल नंबर 7355256508 पर।